पेश है हरियाणा की बड़ी खबरें। हरियाणा के एक युवक की शादी इन दिनों खूब सुर्खियों में है। दरअसल सोनीपत के गांव मुंडलाना के रहने वाले युवक ने जर्मन लड़की से शादी रचाई है। लड़का लड़की जर्मनी में एक दूसरे से मिले थे, इसके बाद लड़की जर्मनी से हरियाणा आई। यहां लड़के का रहन सहन और हरियाणवी कल्चर देख लड़के को दिल दे बैठी, जिसके बाद दोनों ने होने का फैसला कर लिया। विदेशी बहू को अब ससुराल और यहाँ की संस्कृति खूब भा रही है। सोनीपत का युवक जर्मनी पढ़ाई के लिए गया था। एक साल बाद 2021 में स्टेशन पर उसकी मुलाकात जर्मनी की पिया मलाइना से हुई। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई। पिया मलाइना ने बताया कि उसे इंडिया बहुत पसंद है। सुमित ने बताया कि वह 2020 में जर्मनी पढ़ाई के लिए गया था। एक साल बाद 2021 में स्टेशन पर उसकी मुलाकात जर्मनी की पिया मलाइना से हुई। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई। पिया मलाइना ने बताया कि उसे इंडिया बहुत ज्यादा पसंद आया। रोहतक में शनिवार को आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। शहर भर में प्रदर्शन करते हुए आपके नेता व कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक पहुंचे। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बीजेपी कार्यालय के बाहर बैरिकेड लगाए हुए थे, लेकिन वहां अंदर जाने को लेकर आप कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। सोनीपत में ई ट्रेंडिंग व राइट टू रिकॉल के विरोध में सरपंचों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। सरपंच धरना स्थल से नारेबाजी करते हुए सेक्टर 15 स्थित बीएसएनएल कार्यालय परिसर में पहुंचे। इस दौरान सरपंच व जिला पार्षद संजय बाडवासनी मोबाइल टावर पर चढ़ने लगे, तभी मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें टावर पर चढ़ने से मना कर दिया। इस पर सरपंचों ने सरकार के खिलाफ रोष जताया। जिंद में 8 फरवरी को पल्लू खेड़ा में पति सास ससुर को नशीला पदार्थ खिलाकर रात को फरार होने वाली 5 दिन की दुल्हन और उसके 4 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुल्हन की हकीकत अब सामने आ गई है। वह खुद 3 बच्चों की मां है और उसने अपना एड्रेस भी गलत दिया था। एड्रेस उत्तर प्रदेश का दिया था, जबकि वह उत्तराखंड की रहने वाली है। जो महिला माँ और भाई बनकर उसके घर आए थे, असल में वह उसकी सास और एक अन्य मुस्लिम लड़का था। हिसार में रेलवे रोड स्थित बैंक लॉकर से 40 तोले सोना तथा डायमंड के 3 सेट चोरी होने के मामले में पुलिस ने चाबी बनाने वाले कारीगर को गिरफ्तार किया है। लॉकर की चाबी बनाने वाले 8वीं फेल कृष्ण सोनी ने सोना और डायमंड सेट चोरी किए थे। कृष्ण सोनी शराब के नशे का आदी है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।